नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अश्वगंधा चूर्ण को खाने से शरीर पर क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी एवं स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले अश्वगंधा के बारे में जान लेते हैं। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें फाइबर, साथ ही साथ विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन आदि पोषण तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के बहुत सारे फायदे होते हैं। ज़्यादातर सभी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको प्रयोग करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से आपके शरीर पर क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला जो इसका फायदा होता है, इसका सेवन करने से हमारे रुके हुए शारीरिक विकास को यह तेज करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे कि जिन लोगों की उम्र के साथ लंबाई बढ़ना रुक गई है, साथ ही साथ वजन बढ़ना रुक गया है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। रुकी हुई लंबाई तथा वजन को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ ही साथ इसका सेवन करने से यह पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में वृद्धि करता है, साथ ही साथ उसे सक्रिय करता है, जिससे उनके उम्र के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को तेजी से बढ़ाता है। जैसे कि बहुत से लोगों के साथ यह समस्या देखने को मिलती है, उनकी आवाज़ बहुत ही महीन होती है, साथ ही साथ उम्र के साथ शरीर पर दाढ़ी मूछ नहीं निकलते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के असक्रियता के कारण ही यह समस्या होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपके शरीर में सक्रिय होगा तो आपके पुरुष वाले सारे गुण आपके शरीर में आ जाएंगे। साथ ही साथ इसके प्रयोग करने से यह शरीर को ऊर्जा देता है, साथ ही साथ शरीर का स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा तथा स्टेमिना दोनों भरपूर मात्रा में रहेंगे तो आपको थकान नाम की कोई भी शिकायत नहीं होगी, यानी कि शारीरिक थकान को दूर करने में यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ शरीर को बल देने में, शरीर को सामर्थ्यवान बनाने में भी यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। आपकी सामर्थ्य क्षमता को ज़्यादा करने में, साथ ही साथ उसकी वृद्धि करने में, जिससे कि आप किसी भी कार्य को करते समय घबराएं ना, बहुत ही जल्दी थके ना, आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में रहे, इसके लिए अश्वगंधा चूर्ण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ वे लोग जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते समय बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। चाहे आप जिम करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो साथ ही साथ, या फिर आप रनिंग करते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी सांस फूलने की भी समस्या खत्म होगी। साथ ही साथ इसके प्रयोग करने से शरीर में वीर्य की वृद्धि होती है। अगर आपके शरीर में वीर्य की वृद्धि रहेगी तो आपके शरीर में ताकत, साथ ही साथ शरीर में सक्रियता रहेगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ यह पुरुषों की यौन समस्याओं को भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। आपको संभोग क्रिया में आप मतलब रुचि खत्म होती जा रही है, सेक्स के प्रति रुचि खत्म होती जा रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्रांतियुक्त तथा रीतियुक्त बनाता है, जिससे कि आप भरपूर मात्रा में अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अन्य फायदे भी होते हैं, जैसे कि आँखों की कम रोशनी कम हो जाना, कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा आने की शिकायत इत्यादि समस्याओं में भी यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए आप डाबर कंपनी का, बैद्यनाथ कंपनी का या फिर पतंजलि कंपनी का रेडीमेड अश्वगंधा चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी भरपूर मात्रा में शुद्ध होता है। बात कर लेते हैं आपको एक दिन में कितना सेवन करना चाहिए। एक दिन में आपको 1 से 2 चम्मच अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट बात भी सुन लीजिए, किन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनके लिए अश्वगंधा बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता है। साथ ही साथ जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, यानी कि उनका पेट एक बार में साफ नहीं होता, पेट उनका हजम नहीं होता, हाजमा उनका दुरुस्त नहीं होता, उनके लिए भी अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनके लिए भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, और बाकी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग का लोग व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको अश्वगंधा चूर्ण के फायदे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान कराने की पूरी कोशिश की। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं, आपको अवश्य रिप्लाई मिलेगा।
और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।